Charlie Munger, the vice chairman of Warren Buffett's Berkshire Hathaway, had said, using volatility as a measure of risk is not correct. Risk to us is, number one, the risk of permanent loss of capital, or number two, the risk of inadequate returns. I invite PIFAA Director Nipa Khatri to introduce our next speaker for the evening, Mr. Sunil Subramanyan, who is the CEO of Sundaram Mutual Funds, who will be speaking about how to use market volatility to build the portfolio. It's my pleasure to introduce Mr. Sunil Subramanyan, CEO of Sundaram Mutual Fund. Since 2005, under his leadership in sales, marketing, global operations, Sundaram asset under management increased exponentially. He is also in the board of director of Sundaram Asset Management Singapore Private Limited. Mr. Subramanyan has 31 years of experience in financial sector. He has been associated with SBI Bank, Bank of America, American Express, and is also member of Indian Institute of Bankers. He has completed his business administration from Open University Business School of London, MSc from IIT Madras. Let us put our hands together and welcome Mr. Subramanyan, a banker, excellent business administrator, CEO of Sundaram AMC. Good evening. It's the most difficult task to be the last speaker. And it's for a different reason also, right? All of you get hungry, you get impatient, and you don't want to listen, right? But there's another reason कि ये मेरी जो talk है ना उसके लिए मेरे को एक आपको कहना है कि school में आप eraser रखते हैं ना जो गलती आप करते हैं या कुछ लिखते हैं तो erase कर लेते हैं ना तो पहली चीज आपको आपके जो speakers ने बात किया है उसका completely erase कीजिए मैं क्यों कह रहा हूँ not that कि उन्होंने कुछ गलत कहा मगर उनकी जो approach थी ना ह्यूमन बीइंग्स में कहते हैं ना एक राइट ब्रेन होती है लेफ्ट ब्रेन होती है राइट राइट ब्रेन जो होती है अपने इमोशंस को ड्राइव करती है और लेफ्ट ब्रेन होती है लॉजिकल और रैशनल जैसे आप खाने में साउथ इंडिया में कोई यू नो गेस्ट आता है घर में और खाने के लिए बुलाया जाता है ना तो पहली चीज़ क्या करते हैं उसको स्वीट देते हैं ठीक है क्या देते हैं जलेबी देते हैं खीर देते हैं उसके मन को खुश करते हैं फिर उसके बाद होते हैं क्या कड़वी सच राइट वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो बात है वो आपकी राइट ब्रेन को अपील किया है क्यों बिहेवियरल फाइनेंस कैसे आप बिहेव करते हैं अमिताभ बच्चन बॉलीवुड राइट इंडिया का कंपेयर टू अदर कंट्रीज क्या खूबियां हैं यू शुड बी प्राउड टू बी इंडियन ये सब एक दिलचस्पी बात है राइट हमें खुश करते हैं हमें एक अच्छे माहौल में डालते हैं मगर जो मैं कहना हूँ जैसे कोर्ट में कहते हैं ना मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा मैं कड़वी सच के सिवा कुछ नहीं कहने वाला हूँ आज राइट क्यों कह रहा हूँ कि मैं तो एक्सट्रीमली लेफ्ट ब्रेन बात करने वाला हूँ जो नंबर्स के पीछे है और इसमें एक सच मैं पहले ही बताता हूँ क्योंकि पहले बयान देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उन्होंने कहा कि इक्विटी गोल्ड वाइन प्लैटिनम डायमंड ये सब असेट क्लासेस है जिन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और बेस्ड ऑन द टाइमिंग आपको शिफ्ट करना चाहिए राइट मेरी बात क्या है क्या मेरे को दिया है टॉपिक इन्होंने हाउ टू यूज द अनसर्टन पीरियड टू बिल्ड योर कॉर्पस तो मैं पहले से साफ कह देता हूं कि इक्विटी के सिवा कोई भी असेट क्लास नहीं है जो आपके कॉर्पस को बिल्ड कर सकता है राइट तो ये बयान मैंने दे दिया मेरी पूरी टॉक इक्विटी के बारे में है क्योंकि क्या होता है ये बाकी के असेट क्लास ऐसे नहीं कि उनके उपाय कुछ नहीं है ये बाकी के एसेट क्लास जो है बैंक डिपॉजिट गोल्ड राइट इनका क्या काम है इनका काम है कि अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी को दबाना
यानी आपकी मन को खुश करना, यानी जब गिरावट आती है मार्केट में तो वो उतने नहीं गिरते हैं और कुछ ना कुछ तो रिटर्न देते हैं, बैंक डिपॉजिट आपको 5-6% देगा। तो आपको जब मार्केट गिरती है 30%, तो आप सोचेंगे मेरी बैंक डिपॉजिट में कुछ असर नहीं पड़ा है, तो खुश हो जाते हैं। तो ये सब बाकी एसेट क्लास का काम है, आपके इमोशंस को शांत करना, मगर इक्विटी का काम है आपके कॉर्पस को बिल्ड करना, राइट। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि पहली चीज आप देखिए कि मार्केट इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, बैंक डिपॉजिट इज अ वन वे स्ट्रीट। आपने 30 साल का डिपॉजिट 7% पे डाल दिया तो हर साल आपको 7% मिलेगा, राइट। बट मार्केट इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं ना, क्योंकि कभी कहते हैं ना कि बुल मार्केट है बैड मार्केट है, वो तो बुल मार्केट में अभी पैसा डालना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया की भविष्य बहुत बढ़िया है तो अभी आप इक्विटीज अभी चलेगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो चार्ट है ये है 2014 जबकि मोदी की सरकार शुरू हुई और आज तक, यानी 22,000 की सेंसेक्स से 33,000 की सेंसेक्स। बुल मार्केट, माहौल बहुत बढ़िया, इंडिया का बहुत बढ़िया स्थान। देखिए मार्केट में क्या हुआ है, 10 करेक्शंस, 10 दिन का, 17 दिन का, 51 दिन का, और ऐसे नहीं कि छोटे मोटे करेक्शंस है, करीबन देखिए 4%, 8%, 11%, 9%, तो बड़े भयंकर करेक्शंस और बहुत दिन के लिए। यानी बुल मार्केट में भी आपको फ्रीक्वेंटली करेक्शंस मिलेंगे, ऐसी कभी इक्विटी में हालत नहीं होगी कि मार्केट इज अ वन वे स्ट्रीट, राइट। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं ना आपको कि आपको ये समझना चाहिए कि इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर क्यों इक्विटीज। क्योंकि प्रॉब्लम होता है इक्विटीज में आपके मन की टाइम फ्रेम में। तो मैं अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उसका नाम है रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स की कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि आपके पास कोई बैजन दारूवाला की सपोर्ट नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके, राइट। तो आपको अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं है कि आज बुल मार्केट की शुरुआत है या बुल मार्केट की खत्म होने वाली डेट है, बेयर मार्केट की शुरुआत है या नहीं है। जब आपको कुछ नहीं पता तो समझिए आप रोड को आपको आंत बांध करके आप क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी आके ठोकेगी नहीं ठोकेगी आपको नहीं पता। इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट इज लाइक दैट, किसी को नहीं पता कि आज से अगले एक साल के लिए या 2 दिन के लिए मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। तो मार्केट का रिटर्न अगर आपको जज करना है तो आपको ऐसी एक स्थिति बनानी है कि मैं एकदम अंधा हूं और बिना सोच के समझ के मैंने मार्केट में पैसा लगा दिया तो हालत क्या होगी। तो यहां पे देखिए ये है सेंसेक्स की चार्ट, क्या है ये है रोलिंग रिटर्न्स की चार्ट। तो 2 मिनट में आपको समझाऊं कि क्या होते हैं रोलिंग रिटर्न्स। सेंसेक्स का शुरुआत हुआ था 1979 में, यानी आज तक 38 साल। इन 38 सालों में आपको करीबन 14,000 और यहां पे 4,000, यानी करीबन 18,000 एक साल इन्वेस्टमेंट करने की मौका थी। नहीं, शुरुआत हुई समझिए January 1, 1979 को, उस दिन आप एक साल का इन्वेस्टमेंट 31 December 1979 तक कर सकते थे। 2 January को आप नया एक 1 year का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते थे, 3 January को नया एक। वैसे करीबन 18,000 एक साल के इन्वेस्टमेंट्स आप सेंसेक्स में कर सकते थे, यानी एज अ ब्लाइंड मैन। अगर आपने ऐसा किया, एक साल के बाद आपने पैसा निकाल दिया, आप कुछ वेट नहीं किया, आपने कुछ देखा नहीं कि क्या हुआ आपके पैसे का, तब सोचिए करीबन 29% टाइम आपने अपना पैसे को गवाया है। हालत आपकी भी आज भी वैसी है ना, कि अगले एक साल में क्या पैसा सेंसेक्स में पैसा डाल के आप पैसा बनाने वाले हो या पैसा गवाने वाले हो, आपको कुछ नहीं पता, राइट। तो ये एक साल का इन्वेस्टमेंट इन ब्लाइंडली इन सेंसेक्स ओवर 38 years, आपको 29% टाइम्स में आपका कैपिटल को कम किया है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द इक्विटी मार्केट। तो सॉल्यूशन क्या है, सिंपल, 1 year से लॉन्ग टर्म अगर आपने बदला अपनी सोच को तो 5 साल का इन्वेस्टमेंट लीजिए आप, तो सेंसेक्स के लाइफ टाइम में करीबन 13,500 5 साल के इन्वेस्टमेंट के मौके आए हैं, राइट।
इन 13,000 मौकों में से आपने अपना पैसा खाली 8% टाइम आपने खोया है। देख रहे हैं आप, 29 काम पे और 8 काम पे। आपकी सोच अगर एक साल से 5 साल में बदल गई तो ऑटोमेटिकली आपको 29 से 8% आपका लॉस होने का चांस, प्रोबेबिलिटी घट गया, राइट? तो और भी लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे तो 10 साल का टाइम फ्रेम लिए। अगर आपने 10 साल की टाइम फ्रेम ब्लाइंडली सेंसेक्स में किया किसी दिन में, फिर करीबन 11,000 10 साल के टाइम पीरियड्स में आपने खाली 1% टाइम अपना कैपिटल को खोया है। ठीक है, 29 से 8 से 1, राइट? और अगर आप अपना पैसा गंवाना ही नहीं चाहते तो सिंपल, आपको 15 साल का टाइम फ्रेम अगर आपने अपना लिया और ब्लाइंडली अपने सेंसेक्स में पैसा डाला तो कभी भी इन 8,800 दिन में आपने कभी भी अपना पैसा गवाया नहीं, राइट? सो इक्विटी मार्केट का सिंपल अरे ये है सेंसेक्स, ना ही कोई फंड मैनेजर के हाथ, ना ही कोई एडवाइजर के हाथ, ना ही कोई प्रिडिक्शन कि अब से बुल मार्केट शुरू होने वाली है या ब्लैक मार्केट। और ये 38 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट? तो सिंपल सी चीज, ब्लाइंडली आपको अगर इक्विटी मार्केट में ट्रस्ट 15 साल तक रखेंगे तो आप कभी पैसा अपना गंवाएंगे नहीं। तो कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए तो गोल्ड को डालिए बाहर, बैंक डिपॉजिट को डालिए वेस्ट पेपर बास्केट में। अगर इक्विटी मार्केट में आपने 15 साल पैसा लगाया तो कभी आप पैसा गंवाएंगे नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन तो आ जाती है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट लेसन आई वॉन्ट टू टेल यू। नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में कि इन्फ्लेशन, खाली पैसा हमारा प्रोटेक्ट होने से हमको कुछ फायदा नहीं, हमें चाहिए कॉर्पस बिल्ड करने की शक्ति, करेक्ट? तो कॉर्पस बिल्ड करने में प्रॉब्लम क्या होती है? महंगाई, जैसे पिंपले जी ने बताया था, महंगाई इज द बिगेस्ट इश्यू विथ। तो इन्फ्लेशन का क्या असर रहा है हमारे लाइफ में? उन्होंने ये स्लाइड भी उन्होंने बताया था, करीबन एवरेज इन्फ्लेशन हमारे इंडिया की जो लाइफ टाइम है पिछले 30 साल में 7% पर एनम। यानी अगर आप 30 साल के लिए अपने पैसा रखा तो आपका 10,000 बनता 750, यानी 93% ऑफ योर पैसे के वैल्यू इन्फ्लेशन खा जाता। दैट इज द डेमन ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर इस डेमन को लॉन्ग टर्म में आपको अटैक करना है, राइट, इस वेताल को अटैक करना है तो विक्रम कौन है? इक्विटी मार्केट्स। ये सेम टाइम फ्रेम में जबकि इन्फ्लेशन का था 7% पर एनम असर, इक्विटी मार्केट्स का था 15% की लाभ, राइट? सो इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास टू बीट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म, राइट? तो पावर ऑफ इक्विटी मैंने बताया आपको, जो अब की जो बात मैंने बताया वो सेम थिंग है इस स्लाइड में। यानी एक साल में आपने 29% टाइम आपने पैसा गवाया, 5 साल में 8% और 10 साल में 1%, 15 साल में 0। मगर इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रिटर्न्स चाहिए तो ये देखिए नेक्स्ट ग्राफ। यानी एक साल का इन्वेस्टमेंट ने आपको 62% टाइम इन्फ्लेशन को बीट किया है, राइट? 5 साल में 73% ऑफ द टाइम्स, 10 साल में 85% और 15 साल में 99% ऑफ द टाइम्स द सेंसेक्स प्योर अनएक्टिव इक्विटी मार्केट ने आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दिलवाया है, राइट? तो सोच लीजिए बात, नॉट ओनली कि आपकी कैपिटल अश्योर्ड प्रोटेक्टेड है 15 साल की टाइम फ्रेम में, पर 99% टाइम आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न मार्केट ने दिया है। तो अपना कॉन्फिडेंस खाली ब्लाइंडली इक्विटीज में रखिए, इस वक्त और कुछ नहीं करने की जरूरत है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, राइट? मगर ये अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी जो आती है ना, कारण क्या होता है? जैसे पिंपले जी ने बताया था कि इवेंट्स होती है, न्यूज होती है, ट्रंप का ट्वीट्स होते हैं, कुछ कुछ मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। बट अगर वो ट्वीट्स नहीं रहे, अगर कोरिया और अमेरिका की झगड़ा नहीं चली, अगर चाइना और अमेरिका की टैरिफ वॉर नहीं चली, फिर भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी। ये बात मैं आपको साफ कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि एक शांति के माहौल में अनसर्टेनिटी नहीं आती है मार्केट में, शांति के माहौल में भी अनसर्टेनिटी आती है। क्यों? उसका मेन कारण है
बिजनेस साइकिल्स, ये समझना बहुत जरूरी है. क्या होते हैं बिजनेस साइकिल्स? समझाने के लिए एक एग्जांपल लीजिए. हीरो होंडा मोटरसाइकिल कंपनी, प्रॉब्लम क्या होता है मन में? हीरो होंडा अगर 1 करोड़ मोटरसाइकिल की कारखाना लगाती है और आज उसका डिमांड है 80 लाख, यानी 20 लाख की उसकी गैप है सप्लाई में, अगले साल 10% अगर बढ़ गई तो 80 का हुआ 88, और 10% बढ़ गई तो हो गई 96, फिर और 10% बढ़ गई डिमांड तो क्या होगा 104, उसके पास कैपेसिटी कम बढ़ती है ना. प्रॉब्लम क्या होती है? साइक्लिकलिटी इसलिए आती है कि हीरो होंडा खाली 4 लाख मोटरसाइकिल के लिए कारखाना नहीं लगा सकता है, वो एट अ टाइम उसको लगाना है तो 25 लाख मोटरसाइकिल के लगाने की जरूरत है. पर वो जब वो लगाता है क्या होता है? उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, डिप्रिशिएशन बढ़ता है, तो उसकी अर्निंग्स गिरती है, जबकि और 3 साल लगेंगे उस कैपेसिटी को फुल्ली भरपूर यूज करने में. ये है बेसिक लेसन ऑफ साइक्लिकलिटी, यानी साइक्लिकलिटी ऑफ इकोनॉमीज और मार्केट्स. क्या और यहां भी देख रहे हैं, सप्लाई कैपेसिटी क्रिएशंस हैपेंस इन स्टेजेस. देखिए इंडिया देश का यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का यह है. यहां भी देखिए, हर साल इन 10 सालों में इतने ही प्रोजेक्ट्स लगे, फिर जब अच्छी मॉल आ गई सभी ने कैपेसिटी क्रिएशन किया, फिर अगले साल फ्लैट, फिर अभी बाकी शुरुआत. तो यही होता है कि कैपेसिटी क्रिएशन स्टेजेस में आती है कंटिन्यूअसली, हर साल 10-10% कैपेसिटी नहीं लग सकती. एट द सेम टाइम डिमांड जो है, जीडीपी ग्रोथ जैसी चीज, ये 10 साल में 2.5%, ये 10 साल में 4.5%, ये 10 साल में 6.5%. डिमांड जो होती है हर साल एक लीनियरली ज्यादातर प्रोजेक्ट होती है. तो ये बेसिक ट्रूथ के कारण, इस सच के कारण इकोनॉमी में साइक्लिकलिटी इज अ नेसेसरी इविल जो आपको झेलना ही होगा, राइट? तो इस साइक्लिकलिटी का असर कैसे होता है, तो 2 मिनट के लिए ये स्लाइड आप समझ लीजिए, बिकॉज अगर ये समझेंगे तो आपको बहुत एक अच्छी बेहतर रिस्पॉन्स आप दे सकेंगे. इसको कहते हैं कि इकोनॉमी एक वर्चुअस साइकिल, यानी अच्छी साइकिल या विशेष साइकिल में कब जाती है. और ऑटोमेटिकली आप सोचिए, कोई भी देश हो, इंडिया हो, जापान हो, वर्ल्ड इकोनॉमी हो, कोई भी देश हो, ये साइक्लिकलिटी से वो बच के नहीं रह सकते, राइट? क्यों होती चीज? क्योंकि ये जो गुड साइक्लिकलिटी होती है, जो मैंने कहा अभी ना कि डिमांड अगर इकोनॉमी में अच्छी चल रही हो तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट हीरो होंडा जैसे कंपनियां करते हैं, उसके कारण सप्लाई बढ़ती है मोटरसाइकिल की, तो नेचुरली इन्फ्लेशन घटती है, इन्फ्लेशन घटती है तो इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली घटते हैं, इंटरेस्ट रेट्स घटती है तो उसके कारण डिमांड बढ़ती है. क्यों? क्योंकि रेट सेंसिटिव प्रोडक्ट जैसे घर, अगर हाउसिंग लोन के रेट कम होते हैं तो आप जाके घर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग के रेट कम होते हैं खरीदते हैं. तो ये होती है एक गुड साइकिल. तो ये बैड साइकिल में कब बदलती है? जब कोई झटका लगे या ऑटोमेटिकली एक्सेस कैपेसिटी हो जाए ये इन्वेस्टमेंट के कारण. जब एक्सेस कैपेसिटी होती है ना, एक किसी भी चीज उसका एक ट्रिगर हो सकता है. हमारे देश में क्या हुआ, रीसेंट साइकिल का प्रॉब्लम क्या था, ऑयल प्राइसेस $40 से $140 बढ़ गए थे, तो उस हाई इन्फ्लेशन में 2008 में हमारे इकोनॉमी को एक झटका दिया था, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो डिमांड गिर गई तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर गई, तो ऑटोमेटिकली किसी ने फ्रेश कैपेसिटी लगाने की सोच भी नहीं की, तो ऑटोमेटिकली उसके कारण सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स और भी बढ़ गए और इन्फ्लेशन और भी बढ़ गई. तो ये बैड साइकिल टू गुड साइकिल का आपका समझना, और आपके एडवाइजर आपको समझाएंगे ये, मगर ये बहुत जरूरी है कि उसके बेसिस पे ही आप विद इन इक्विटीज किस तरह के फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, उसकी आप जानकारी और एक्शन कर सकते हैं. तो ये जो चार्ट मैंने दिखाया, ये साइक्लिकलिटी जो इकोनॉमिक साइक्लिकलिटी है, ये अपने स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है. कारण क्या है? कारण यह है कि मार्केट आपको रिटर्न कहां से दिलवाती है? एक चीज होती है अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, यानी ईपीएस की ग्रोथ, और दूसरी चीज होती है डिमांड एंड फॉर स्टॉक्स. वो डिटरमिन करता है कि क्या पी रेशो में वो बिकती है. तो ये होती है वैल्यू, ये होती है प्राइस, राइट? वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस इज व्हाट यू पे. अगर वो प्राइस और वैल्यू जस्टिफाइड है कि नहीं, अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पी रेशो बढ़ती है तो दामें बढ़ जाती है, बट अर्निंग्स ग्रोथ गिरती है तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है. तो मार्केट में आपको रिटर्न ये दो चीजों से बनती है,
एक होती है अर्निंग्स ग्रोथ और दूसरी होती है पी रेशियो. तो अगर हमारे मार्केट में देखें पिछले 15 साल में, यह है सेंसेक्स की ईपीएस की ग्रोथ की ट्रेंड. साइक्लिकलिटी का असर यहां पे देखिए, ये थी अच्छी साइकिल. 2003 से 2008 तक हमारी इकोनॉमी में मनमोहन सिंह की फर्स्ट टर्म वर्ल्ड इकोनॉमी बेहतर चल रही थी, हमारी इकोनॉमी बेहतर चल रही थी, एकदम जबरदस्त जमाना था, जबकि सेंसेक्स 3000 से 21000 के लेवल पे पहुंच गई थी. इस अच्छे टाइम फ्रेम में ईपीएस ग्रोथ सेंसेक्स कंपनी की थी 25% पर एनम. बट जैसे ही ये बैड साइकिल की शुरुआत हुई ऑयल प्राइस की शॉक से, क्या हुआ देखिए, ऑटोमेटिकली इस 8 to 14 की टाइम फ्रेम में सेंसेक्स की कंपनियां की अर्निंग्स 25% पर एनम से 8% तक गिर गई और इस पीरियड में अभी भी वो रिकवर नहीं हुई है. बट एट द सेम टाइम पी रेशियो स्टिकी है. इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो आपको ये सोच आएगी, अरे अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स कैसे आएगी, राइट? नहीं, स्टॉक मार्केट्स में तो रिटर्न्स आती है, क्योंकि क्या है रीजन, एक होती है अर्निंग्स ग्रोथ, दूसरी होती है पी रेशियो. तो अगर आप पी रेशियो का चार्ट देखें, आप ये है सेंसेक्स की वैल्यूएशन की चार्ट, पी रेशियो की चार्ट, सेम टाइम फ्रेम में पी रेशियो भी मार्केट की साइकिल और डिमांड फॉर स्टॉक्स की साइकिल को फॉलो करती है, राइट? तो जैसे आप देखेंगे यहां पे डिमांड गिर गई तो पी रेशियो गिर गई, डिमांड बढ़ गई तो पी बढ़ गई. तो यहां क्या हुआ, भले ही अर्निंग्स बढ़े नहीं मगर डिमांड फॉर स्टॉक्स बढ़ने के कारण वैल्यूएशंस बढ़ गई और मार्केट ने आपको रिटर्न, अच्छा रिटर्न दिलवाया. तो यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्चुअल साइकिल, विशियस साइकिल, वर्चुअल साइकिल, हमारे देश में 2003 से आज तक ये तीन स्थितियां हुई है. 2003 से 8 बेहतर दिन था, वर्चुअल साइकिल जो आप सोचिए, लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, हाई डिमांड, राइट, हाई ग्रोइंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सेंसेक्स को क्या हुआ, 3000 से 21000, यानी इस गुड साइकिल में आपको मिला 49% पर एनम. गुड साइकिल में स्टॉक मार्केट आपको बेहतर रिटर्न देती है, क्यों, क्योंकि एक तरफ अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी बढ़ती है, दूसरी तरफ डिमांड पी रेशियो भी बढ़ती है. मगर जैसे ही विशियस साइकिल की शुरुआत हुई, ऑयल का झटका, क्या हुआ, एकदम कोलैप्स हो गया और फिर भी सेंसेक्स ने आपको जीरो रिटर्न ही दिया फ्रॉम 49%, राइट? तो बैड साइकिल में क्या हुआ, डिमांड थोड़ी जारी रही थी मगर अर्निंग्स इतने गिर गए कि आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला. और ये नए जो पॉजिटिव वर्चुअल साइकिल की शुरुआत हुई है, आपने देखा अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं, फिर भी पी रेशियो के बढ़ने के कारण आपको मिला 11% पर एनम रिटर्न. तो यह है इंपैक्ट ऑफ साइक्लिकलिटी ऑन सेंसेक्स, राइट? तो क्या इसका लेसन है, लेसन यह है कि इक्विटीज में जब वर्चुअल साइकिल होती है तो रिटर्न्स बहुत बढ़िया होते हैं और जब विशियस साइकिल होती है तो रिटर्न घट जाती है. और आपको अगर देखना है प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि अगर आप खाली सेंसेक्स में पैसा डालते हैं ना तो आपको अच्छी रिटर्न, फ्लैट रिटर्न, अच्छी रिटर्न मिलती. मगर इश्यू क्या है कि आपको यह भी समझना जरूरी है कि साइक्लिकलिटी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट को बहुत डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करती है. डिफरेंट सेगमेंट माने क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सेक्टर्स. तो अगर इसका असर आपको देखना चाहिए, यहां पे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, क्योंकि अगर अक्सर आप साइक्लिकलिटी को समझेंगे, ये देखिए, ये अच्छी साइकिल की बात हमने करी थी ना 2003 से 8, तो वहां पे मैंने कंपेयर किया है बीएसई मिड कैप इंडेक्स और सेंसेक्स. जैसे आपने देखा ना, सेंसेक्स ने 11 से 12% रिटर्न दिया, वो कैसे आया आपको, नहीं 38% रिटर्न दिया. तो मैंने कहा ना, दो चीज आपको रिटर्न दिलवाती है मार्केट में, क्या है, अर्निंग्स ग्रोथ और पी रेशियो की बदलाव. तो ये देखिए, सेंसेक्स में इस अच्छे पीरियड में 26% की आपको अर्निंग्स ग्रोथ आई और 12% कॉन्ट्रीब्यूशन पी रेशियो की एक्सपेंशन ने आपको कुल मिला के 38% रिटर्न दिया. पर मिड कैप्स में देखिए क्या हो रहा है, मिड कैप्स में सेम टाइम फ्रेम में करीबन
32% per annum return mid cap companies ne diya, whereas sensex companies ne khali 26 diya, yani 6% per annum aapko behtar earnings mid cap companies ne demonstrate kiya, magar return aapko mila kitna, 53 minus 38, 15% per annum. Kyun? Kyunki mid cap companies ki PE rating 21% hui. Main kyun ye bata raha hu aapko ki cyclicality acche hone aur bure hone mein zameen aasman ka farak hai. और आपको अगर इक्विटी मार्केट से अपना कॉर्पस बिल्ड करना है तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि साइक्लिकलिटी में हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और कितना एलोकेशन मेरे को किस तरह के फंड में करना है. तो ये अगले स्लाइड में आप देखिए, ये है मिड कैप की सेम मिड कैप इंडेक्स की सेम तीन पीरियड में वर्चुअल साइकिल, विशियस साइकिल, वर्चुअल साइकिल. फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस अच्छे पीरियड में, जबकि सेंसेक्स में कंपैरिजन अभी अगले स्लाइड में बताता हूं, मिड कैप इंडेक्स ने दिया 63% पर एनम रिटर्न, बैड साइकिल में आपका 8% पर एनम पैसा आपने गवाया. यू लॉस्ट 8% इन अ बैड साइकिल. बट ये अच्छे गुड साइकिल की शुरुआत अभी हो गई तो कितना रिटर्न दिया है? 24%. यानी क्या, मिड कैप सेगमेंट और मिड कैप कंपनीज आर मोर साइक्लिकल देन लार्ज कैप कंपनीज. तो इसमें आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, दूसरा है सोच समझ के साइकिल कॉम्प है उसको पकड़ के आपका एलोकेशन आप बढ़ाओ या गिराओ मिड कैप में. क्योंकि यहां पे देखिए ये कंपैरिजन वाली स्लाइड, राइट, ये दोनों को कंपेयर किया मैंने, सेम डेटा. यानी जब अच्छी साइकिल थी, जब लार्ज कैप ने दिया 49%, मिड कैप ने दिया 63%, 15% बेटर रिटर्न. बट जब इकोनॉमी बैड साइकिल में थी, लार्ज कैप ने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, मिड कैप ने कैपिटल को गवाया. मगर ये अच्छी फेस में क्या हो रहा है, लार्ज कैप ने दिया 11%, मिड कैप ने दिया 24%. तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो अकॉर्डिंग टू साइकिल अपना एलोकेशन आप बदलाएंगे, ताकि आपको भी मैक्सिमाइज द गुड एंड मिनिमाइज द बैड. अनसर्टिनिटी का यही है कि हाउ डू यू मैक्सिमाइज द गुड एंड मिनिमाइज द बैड, राइट. इसके अलावा साइक्लिकल इंपैक्ट सेक्टर्स पे भी होती है. सेक्टर्स में देखिए सेम तीन फेसेस है ये. देखिए मैंने सब रियल सेक्टर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना उसको यहां पे दिखाया है. यहां देखिए कितने सेक्टर्स ने अच्छी रिटर्न गुड फेस में दिया, बैड फेस में इतना नेगेटिव दिया, मगर गुड फेस में उतना बेहतर दिया. तो नॉट ओनली लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, सेक्टर एलोकेशन भी बहुत स्मार्टली आप चुन के आप अपना वेल्थ क्रिएशन या कॉर्पस क्रिएशन को बढ़ा सकते हैं. तो ये साइक्लिकलिटी की जानकारी बहुत जरूरी है, और इसलिए एन एडवाइजर्स हेल्प टू चूज द राइट मिक्स टू बेनिफिट इज क्रूशियल. क्यों? ये एडवाइजर आपको बताएंगे कि कितना मैं अपना पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में लगाऊं, कितना मिड कैप में लगाऊं, कितना स्मॉल कैप में लगाऊं, और कितना मैं एक रूरल, जैसे अभी चलने वाली थीम है इकोनॉमी की अच्छी हालत, और ये कंजम्पशन वाली थीम है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम. तो ये मिक्स जो है आप अपने इंडिविजुअल अंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक एडवाइजर जो इकोनॉमिक साइकिल्स को स्टडी करता है, फंड की पोर्टफोलियो को स्टडी करता है, वही आपको सलाह दे सकता है कि कैसे मैं अपना एलोकेशन करूं. सुंदरम की ओर से हमारी सजेस्टेड एलोकेशन आज के दिन में आज की इकोनॉमी की हालत को देखकर ऐसी होगी, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप, और सेक्टर में 10% रूरल थीम, 10% कंजम्पशन, और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमारी एडवाइस है. आपके एडवाइजर बेहतर जाने आपके रिस्क कैपिटाइट और आपकी टाइम फ्रेम के बेस पर कैसा ये एडवाइस होना चाहिए. तो अब ये सब चीज जो है ना, एक तरफ आपकी मार्केट की आपकी एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करने की बात की, मगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं खाली नॉट टू लूज मनी के लिए नहीं, यू वॉन्ट टू मेक मनी ना, राइट. तो टू मेक मनी, व्हाट यू वॉन्ट टू डू टू मेक मनी, टू बिल्ड अ कॉर्पस. काहे के लिए कॉर्पस? चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, वेकेशन 5 साल में प्लान करने के लिए, या चिल्ड्रन की एजुकेशन हो 10 साल में प्लान करने के लिए, या फिर आपकी बेटी या बेटे की शादी हो 15 साल में, या जो रिटायरमेंट है जो 20 साल में. आपकी कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम होने की जरूरत है,
और अब तक मैंने बात करी पूरे के पूरे इंडेक्स के बारे में बात करी, अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न्स कंपेयर टू इंडेक्स वो भी इसके थ्रू आपको बता देता हूँ, राइट। तो पहली चीज ये है कि पावर ऑफ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स टू हेल्प टू बिल्ड योर कॉर्पस, राइट। तो शॉर्ट टर्म में भी इक्विटी मार्केट्स कैन हेल्प यू टू बिल्ड कॉर्पस, क्यों? वेकेशन का लीजिए, अगर आप समझिए कि 5 लाख आपको चाहिए एक फैमिली वेकेशन के लिए, राइट, 5 साल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ऐसा है कि 5 साल पहले अगर वो 3.5 लाख रुपया होता तो आज उसका वैल्यू होता 5 लाख, यानी अगर आप बैंक डिपॉजिट में डालते तो आपके वेकेशन की प्लानिंग जो 5 साल पहले थी वही के वही आप कर सकते हैं। मगर अगर आपकी एस्पिरेशन है कि मेरी एक बेटर वेकेशन हो, राइट, तो 5 साल पहले अगर आपने सेंसेक्स में पैसा डाला होता तो 3.5 लाख के बदले में आपने खाली 3 लाख से 7,000 कम सेंसेक्स में डाला होता, या फिर कोई भी लार्ज कैप फंड, और जब मैं ये फंड की बात कर रहा हूं, मैंने एक या दो फंड को चुने नहीं है, तो आप जरा समझ लिए, जब मैं ये फंड्स की बात कर रहा हूं, मैंने वैल्यू रिसर्च की जो है 400 इक्विटी फंड उनको क्लासिफाई किया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और पूरे के पूरे फंड का एवरेज रिटर्न मैंने निकाला है। ये कोई सिंगल फंड हाउस की फंड नहीं है, ये एवरेज इंडस्ट्री की रिटर्न है। तो एवरेज इंडस्ट्री की लार्ज कैप ने पिछले 5 साल में 14.5% रिटर्न दिया है, और आपको चाहिए खाली 2.5 लाख रुपए आपके 5 लाख की वेकेशन फंड करने के लिए, और अगर आपने मिड कैप में डाला तो आपको चाहिए होगा खाली 1,80,000 रुपए, राइट। तो यह मैं कहता हूं कि एडवाइजर का आपका एलोकेशन चुनना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान योर वेकेशन, राइट। नेक्स्ट, 10 years टू फंड द चिल्ड्रंस एजुकेशन, राइट। 10 years बैक अगर आपके पास 9,20,000 रुपए होता तो आज वो इन्फ्लेशन के कारण 20 लाख हो जाता, समझे कि आपको 20 लाख चाहिए होता, तो पिछले 9 लाख मैंने ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन का रेट लिया है, यानी बैंक डिपॉजिट समझ लीजिए, अगर आपने बैंक डिपॉजिट में 9 लाख उन दिनों लगाए थे तो आज आपके पास 20 लाख होगा आपके बेटे या बेटी की एजुकेशन के लिए। मगर अगर आपने फंड में पैसा डाला, सेंसेक्स में डाला, तो 9 लाख के बजाय आपको खाली 8.83 लाख लगाना था इन सेंसेक्स, और कोई भी लार्ज कैप फंड एवरेज लार्ज कैप में खाली 7 लाख, और कोई भी मिड कैप में फंड में खाली 5 लाख, यानी एक मिड कैप एवरेज मिड कैप फंड इन द इंडस्ट्री ने आपका पैसे को 4 गुना, ये 4,80,000 का होता कितना, 20 लाख रुपए। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बेहतर एवेन्यू है आपके फ्यूचर कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। ये वो है 10 साल की इन्वेस्टमेंट, अगले देखते हैं 15 साल की। 15 साल में मैंने लिया है 25 लाख आपको चाहिए आज आपकी बेटी की शादी करने के लिए। 15 साल पहले अगर आप बैंक डिपॉजिट में 9.5 लाख लगाते तो आज वो बनता 25 लाख। मगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, पहले सेंसेक्स में 9 लाख के बरिए आपको कितना यहाँ पीता 9 लाख, 9.5 लाख, सेंसेक्स में खाली 3 लाख, लार्ज कैप फंड में खाली 1.7 लाख, और मिड कैप फंड में खाली 1.5, यानी करीबन 10 गुना या 20 गुना आपको इन 15 साल ने एक एवरेज मिड कैप फंड इंडस्ट्री की। तो अगर आपके फ्यूचर 10-15 इयर्स के लिए कुछ भी खर्चे के लिए आपको कॉर्पस बिल्ड करना हो तो ये आपको आंसर यहां पे है, राइट। और फाइनली ये सब अनसर्टेनिटी जो आती है उसको काउंटर करने की बात करी मैंने, बट क्या आप अनसर्टेनिटी को आपके एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? यस, कैसे? कैन यू मेक अनसर्टेनिटी एक्चुअली वर्क फॉर यू, राइट? तो ये है SIP जो आपके एडवाइजर्स ने आपको बताया होगा। मैं सिंपल एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि ये अनसर्टेनिटी को कैसे आपको फायदेमंद चीज बनाती है, राइट? कैसे? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की जो बात करते हैं ना, यहां पे है, मैंने दिखाया है कि समझे कि 10 महीने का SIP है, ओके, ओनली 10 महीने का, और समझे कि आपने 1,000 रुपए लगे, आज उसका दाम है, NAV है म्यूचुअल फंड का 20 रुपए, यानी आपको मिले 50 यूनिट, और ये 10 महीने में ये दाम इतनी उतार चढ़ाव होती है, राइट?
तो ये देख लीजिए, पहले 10 था, 20 था, आज उसका दाम 22 हो गया है, यानी दाम बढ़ गया है। फिर भी क्या हुआ है, आपको 10,000 रुपए से आपको खाली बनना था 500 यूनिट, आपको मिले 520 यूनिट। अगर ये ठंडा मार्केट होता ना, जैसे उन्होंने कहा ना ईसीजी, फ्लैट ईसीजी, तो आपको क्या मिलता, क्या खाली 500 यूनिट, मगर अनसर्टेनिटी के कारण आपको मिला है 520 यूनिट। यानी एसआईपी ऐसी चीज है जो एक्चुअली वो अनसर्टेनिटी को आपकी सर्टेनिटी में कन्वर्ट करती है। तो ये एसआईपी का एडवांटेज कोई समझता नहीं प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि हर महीने मैंने डाल दिया तो ठीक है, ये एक्चुअली इसकी पावर है कि मैं वो अनसर्टेनिटी को उठाकर सर्टेनिटी में बदलू। सो पावर ऑफ एसआईपी को कभी आप गलत मत समझिए, मगर यहां पे भी टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया है एक एसआईपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगेन सेम दैट रोलिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था आपको, वही आप मन में रखिए कि 2000 अप्रैल से मार्च 2017 यानी 17 साल में आपको करीबन राइट क्या है ये 11 प्लस 1 12 प्लस 5 17 एक साल की एसआईपी आप कर सकते थे 17 साल में। सिंपल है ना, 17 साल में 17 एक साल वाली एसआईपी, मगर उस एक साल वाली एसआईपी ने 5 दफे आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिया होगा मार्केट की अनसर्टेनिटी के कारण। एक दफा आपको फ्लैट और 11 दफा आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिया होगा। मगर सेम अगर आपने एसआईपी को एक साल से 5 साल में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए, ना ही कभी आपने पैसा गवाया, ना ही कभी आपको फ्लैट मिला, रिटर्न मिला, आपको मिला 12 के 12 टाइम, क्योंकि 12 5 साल के टाइम फ्रेम ही है 17 साल के टाइम में, राइट। पूरे 12 के 12 टाइम में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला। अभी पॉजिटिव रिटर्न की बात करें तो कितनी रिटर्न वो भी देख लीजिए आप, राइट। द सेम पीरियड्स में आपको हाईएस्ट रिटर्न एक साल में मिला था 87%, यानी मार्केट उसी साल बहुत भागी थी, और लोएस्ट रिटर्न आपको मिला ना -30%, यानी एक ही साल में इवन थ्रू एसआईपी आपने 30% ऑफ योर कॉर्पस आपको खोना पड़ा। सो एक साल वाली एसआईपी कभी मत कीजिए, बिकॉज प्रोपोर्शन उसकी ऐसी है कि 5 out of 11 टाइम में आप नेगेटिव रिटर्न्स, और रिटर्न्स इतने नेगेटिव भी हो सकते हैं कि 30% आपका कैपिटल, 100 का कैपिटल बेहतर में गिर गया, राइट। वेरस अगर आपने 5 साल की टाइम फ्रेम ली, ना ही आपको कभी कैपिटल गंवाने की जरूरत नहीं होती, मगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स 40% पर एनम मिलते और मिनिमम रिटर्न्स आपको 1.2% एटलीस्ट मिल जाते, राइट। तो कभी भी आप एसआईपी की शुरुआत कर रहे हैं तो मिनिमम 5 years की टाइम फ्रेम रखिए। तो और एक स्लाइड इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन ही वो वेताल है ना जिसको हम डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, 1 year का एसआईपी ने 17 टाइम्स में से 6 बार इन्फ्लेशन से कम रिटर्न दिया और 11 दफा उसने इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दिया, मगर 5 साल वाली एसआईपी ने खाली 2 बार उसने 7 से लेस रिटर्न दिया, 11 टाइम्स उसने इन्फ्लेशन से भी बेहतर रिटर्न हमको दिया। तो मंत्र यही है कि मिनिमम आप 5 years एसआईपी लेके चलिए, तो ना ही आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलेगी, बट नॉट ओनली दैट, आपको हाईएस्ट रिटर्न भी 40% पर एनम मिल सकती है, और आप ज्यादातर टाइम फ्रेम में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी पा सकते हैं। तो सिंपल रूल ऑफ एसआईपी, कीप इट एज मिनिमम 5 years। एंड यू नो व्हाट इज द रियल रीजन, नॉट दिस सोशल फैक्टर जो मैंने कहा, उसका रियल रीजन है ये कि हमारी हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव हो गई है कि हमारी लैवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में ब्लू थी, 40 इयर्स थी, आज वो है 68 एवरेज। ये है यूएस और चाइना, वहां में साथ मैंने दिया है। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको, ये 68 इयर्स इज एवरेज, यानी भिखारी पुअर लोग और रिच लोग जो कि हाई हेल्थ केयर भी अफोर्ड करते हैं, इनका एवरेज है। मैं मानता हूं कि इस ऑडियंस में डेफिनेटली इस एवरेज से ज्यादा आपकी
उम्र होगी, बिल्कुल राइट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपोज टू डिजीज लाइक कोलेरा, डिसेंट्री, जो आम जनता को अफेक्ट करती है. आपके पास मेडिकल केयर की एक कंफर्ट है. तो अगर आप एवरेज लीजिए कि ये 68 का एवरेज में आप इस ऑडियंस का होगा 72. मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर आपकी 40 साल की उम्र हो फिर भी आपको और 32 साल की प्लानिंग करने की जरूरत है, राइट. शायद आप नौकरी आप खत्म करेंगे 55 या 60 साल में, बट उसके बाद और 12 साल ऑन एन एवरेज आपको जिंदा रह के आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करना है, राइट. तो ये हमारी जो लेंथनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सब हमारे मन में रखना चाहिए कि इवन एट 50, इवन एट 60 मेरी इन्वेस्टमेंट होराइजन होनी चाहिए 10 साल. 60 साल की उम्र में क्या आप कोई इन्वेस्टमेंट का 10 साल की सोचते? प्लीज सोच को बदलिए. इवन एट 60 यू हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, राइट. तो इस चीज के कारण ना, यहां पे देखिए इन्फ्लेशन का मैंने एक डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाया था, ये है ऑपोजिट ग्राफ. यानी इस 30 साल में एक लीटर पेट्रोल अगर 71 रुपया है तो 30 साल के बाद कितना होगा? 532. दैट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. और अगर आपको ये देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 30 साल पहले पोस्ट रिटायरमेंट अगर आप सोचिए आपको 6000 रुपए महीने से आपका काम चल जाता, आज इन्फ्लेशन के कारण वही 6000 का वैल्यू आज है 50,000. यानी आज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो मिनिमम आपको 50,000 रुपीज चाहिए ना, मानते हैं कि नहीं, राइट. अ कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, वी डोंट वांट टू गो डाउन इन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बट ये 50,000 अगर हमें कमाने हैं तो वो कॉर्पस को हम सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, जैसे बैंक डिपॉजिट में जहां गारंटीड मंथली इंटरेस्ट आती है. तो समझिए कि 6% है गारंटीड मंथली इंटरेस्ट. तो यानी ये 50,000 कमाने के लिए 30 साल पहले वो 6,000 महीने इनकम जनरेट करने के लिए आपको चाहिए 12.5 लाख की कॉर्पस. मगर आज के दिन में आपको चाहिए कितना? 1 करोड़. ये क्योंकि 1 करोड़ 6%, 6 लाख पर एनम, 50,000 पर मंथ. सिंपल कैलकुलेशन, राइट. सो आपको प्लानिंग में जरूर करोड़पति बनने की ख्वाहिश आपको बिल्कुल रखनी चाहिए. तो इस करोड़ को कमाने के लिए, कॉर्पस बनाने के लिए आपकी स्टार्टिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. 25 साल में आपने स्टार्ट किया या 40 साल में आपने स्टार्ट किया या 50 साल में आपने स्टार्ट किया, अगर आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड की बात छोड़िए, तो 25 साल में आपने स्टार्ट किया होता तो खाली आपको 800 रुपए पर महीने की जरूरत थी. 40 में अभी शुरुआत करें, एवरेज एज ऑफ द ऑडियंस आज लग रहा है मेरे को 35-40 है, तो आज के दिन में आपकी SIP होनी चाहिए 9,000 रुपीज की मिनिमम. और अगर आपने डिले कर दिया 50 साल तो ये 9,000 का बनता 50,000. तो स्टार्ट अर्ली की बात पक्की आपके मन में रखनी चाहिए. क्योंकि अगर समझिए कि आपके बेटे हैं और बेटे की शादी कर रहे हैं आप, राइट, फिर आपको वेडिंग गिफ्ट में खाली एक SIP की शुरुआत करिए उसके लिए, करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सोच लीजिए ना, अगर आपके पास 30 साल का टाइम फ्रेम है, बेटे की शादी 25 में करते हैं या 30 में करते हैं, 60 साल की उम्र में खाली 2,000 रुपए पर मंथ अगर आप सेंसेक्स में लगाते तो आप बनते करोड़पति, राइट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक द फाइनल पॉइंट ऑन दिस. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड योर